साउथ अफ्रीका बारिश का क्या असर अच्छा होगा इस पिच पे लास्ट गेम में हमने देखा पहले दस ओवर में एक टोटली डिफरेंट पिच एंड आफ्टर totally दैट टोटली डिफरेंट पिच तो क्या असर अच्छा होगा बारिश का कौन से होंगे आपके की प्लेयर्स बेस्ड ऑन द वेदर एंड कैसे आप बना सकते हो ग्रेट टीम बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो To get all those tips and insights, West Indies, South Africa, second T20I at the robot Trinidad. Our win prediction, say West Indies' ki taraf, First game, we right on point, and I'm expecting another good set. मिनि जेल ऑन ड्रीम इलेवन एंड ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते कम हैं no no है। तो है। रियल इलेवन या माई मास्ट इलेवन पे एक्सचेंज ट्रेंटू पे साइनअप मिलेगा रुपीज हंड्रेड रियल कैश तो अभी, अभी जाके साइन अप कर लीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं आगे। ज्वाइन करिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वही से ज्वाइन करिए ताकि आप कोई फेक चैनल से न जुड़े रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो और लोगों तक तो पहुंच पाए और हम ऐसा कॉन्टेंट बना पाए प्रैक्टिकल कॉर्नर की तरफ चलते बट टैक्टिकल कॉर्नर से पहले समझेंगे वो पिच रिपोर्ट एंड वेदर रिपोर्ट क्योंकि वो भी क्रूशल टू अंडरस्टैंड कि टैक्टिकल कॉर्नर में वहां पे क्या चल रहा है तो वेदर रिपोर्ट की बात की जाए रेन एक्सपेक्टेड है फिर से इस मुकाबले में लास्ट गेम में आपने क्या देखा जैसे ही बारिश हुई वहां पे पिच हो गई थी थोड़ी सी टैकी एंड जब वो पिच टैकी हो गई तो वहां पे बैटिंग हो गई काफी मुश्किल ऑन दोस फर्स्ट अब वो इसलिए भी था क्योंकि टॉस के समय वो बारिश हुई तो काफी वो जो पानी था वो पिच पर चला गया वही हिसाब से अगर आपको बिफोर द गेम वहां पे एक ड्राई स्पेल दिखती है सो इट विल बी अ गुड बैटिंग पिच

साउथ अफ्रीका बोर्गर ओपनिंग उनके साथ क्रूगर ने काफी क्रूशल रोल प्ले किया विद बैट इन द लास्ट गेम विद बॉल कुछ खास लगे नहीं बट माक्रम जो इनके सिक्स ऑप्शन है उन्होंने भी काफी मार्क खाई इंडीज फेवन आइलिन आ सकते वापस शमार जोसेफ को जो विकेट मिले थे इन द लास्ट गेम दैट वॉज मोर ऑफ बैड रादर देन गुड बॉल्स उसके अलावा मैं काफी सिमिलर लाइनअप इनके लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो यही कॉन्टेक्ट ध्यान में रख के अब चलते हैं टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ तो अब बात की जाए टैक्टिकल कॉर्नर की ओपनिंग में है शे होप पेनाल एथेनेस उसके बाद है

एंड रोस्टिन चेज वाइल अब साउथ अफ्रीका की बात करें तो रीजा के अलावा हर बैटर बहुत ही ज्यादा अटैकिंगली खेल रहा था लास्ट गेम से तो जब आपने देखा कि पिच थोड़ी सी वहां पे मुश्किल हुई एट द स्टार्ट तो तब उन्हें वहां पे तकलीफें हुई बट इफ द पिच इज गुड राइट फ्रॉम द स्टार्ट तो आई थिंक ये दोनों टीम्स के साथ एक बैट का ही मुकाबला होगा क्योंकि आप बोलिंग की तरफ अगर जाकेंगे तो साउथ अफ्रीका के लिए जो मेन बोलर है वो है ही नहीं यहाँ पे फोर्टीन है बोगर है बोगर भी तभी इफेक्टिव होंगे अगर बारिश के बाद इन्हें पिच पे बॉलिंग करने का मौका मिला एल्स आई थिंक बोगर मफाका टाइप के प्लेयर्स जो है डेथ में ज्यादा जाने नहीं जाते बैटमैन बहुत ही बड़ा एंड क्रूशल रोल प्ले करेंगे

लास्ट गेम में ना ही सिर्फ स्टेबली खेले बट बाद में काफी ज्यादा अटैकिंग शॉट्स भी इन्होंने खेले सो so, काफी इंप्रेसिव ये लगे इन द लास्ट गेम शे होप एंड इनका अच्छा रिकॉर्ड इवन एट ट्रिनेडाड फिर बात की जाए एलिक एथनेस की एंड एक और करेक्शन यहाँ पे शे का एक मैच में जीरो रन था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बट लास्ट गेम में ऑफ कोर्स इनके 50 से ज्यादा वहां पे रन आए सो दैट इज अ करेक्शन प्लीज उस बात का ध्यान रखिएगा Alec Ethanes, दो मैच में फोर्टी टीम it, भी लास्ट गेम में एक अच्छी पारी खेलकर गए थे अच्छी बैटिंग ट्रैक पे बिल्कुल मेरे साइड में ये भी रहेंगे थोड़ा सा इनका स्पिन के सामने तकलीफें होती हैं बट क्योंकि ओपनिंग करते हैं एंड प्लस साउथ अफ्रीका के पास माक्रम के अलावा कोई ऑफ स्पिनर है नहीं So अच्छा मुश्किल रही है 38 एट के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं सो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर ये भी रहेंगे रॉबिन पॉविल स्पिन के सामने तकलीफ है हमने पहले भी डॉक्यूमेंट की है एंड लास्ट गेम में भी ये जल्दी आउट हो गए प्लस ये yeah, ऐसे टाइप के प्लेयर है जो आई थिंक जब पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा सा ये फिनिशिंग uh, ऑर्डर में आके अपना इम्पैक्ट ले खेल सकते हैं बट चेजिंग में यहाँ पे क्योंकि ट्रैक और बेहतर हो जाती है फॉर बैटिंग आई डोंट नो कि कितना मौका इन्हें वहाँ मिलेगा शिमरन हेटमायर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं रहे राइट फ्रॉम द हंड्रेड ये बिल्कुल एक जीएलपी की रहेंगे आपके लिए बेस टीम में तो आप फिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके तो पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन होंगे एंड उसके अलावा रिकॉर्ड भी इनका कुछ खास नहीं नॉर द द टीम एट एट ग्राउंड मैचेस एंड विकेट नहीं लिया इन्होंने एंड रन भी आई थिंक चार ही बनाए इन द लास्ट गेम सो कुछ खास नंबर नहीं प्लस सामने वाली टीम में पहले गेम में इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी अब मैं कहूंगा कि क्योंकि लो बैटिंग कर रहे हैं प्लस सामने वाली टीम में एक ही लेफ्ट हैंडर तो मे बी बैट बोलिंग का भी इतना मौका इन्हें ना मिले रोमारियो शेपर्ड इनका रोल अभी क्रूशल होगा 88 एट रन टू विकेट एंड थ्री विकेट एट इट सेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे एटलीस्ट दो से तीन ओवर आप देख सकते हैं एंड पहले बैटिंग करेंगे तो थोड़ी सी पेस थोड़ी सी लोअर ऑर्डर बैटिंग एंड इज नॉट ऑफ इज पेस बोलर फिर चलते हैं आगे तरफ अकील बैटर प्लस लेफ्ट आर्म स्पिन थोड़ा डिफेंसिवली डालते हैं ये आप अब इनके नंबर्स में देखोगे आठ मैच में सिर्फ तीन विकेट वर्ष साउथ अफ्रीका लास्ट गेम में टैकी पिच पे बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने बट फ्लैटर ट्रैक पे थोड़ा सा इन्हें मुश्किल हो सकता है स्पेशली अगर रायन रिकिल्टन वहां पे सेट इन हो जाए एट कैनडाट छह मैच में सात विकेट तो ठीक ठाक रिकॉर्ड इनका यहाँ पर गुडकेश मोती लास्ट मैच में काफी स्ट्रगल किया एज ये आए आफ्टर द ओवर जब बैटिंग थोड़ी और वहां पे आसान हो गई अकील का कोटा पूरा खत्म हो गया तब ही आए थे अब इनके लिए एक एडवांटेज का पॉइंट क्या होता है क्योंकि अकील अर्ली डालते हैं ये तब आते हैं जब बैटर्स हैं टू अटैक बैटर तो या तो ये 40 रन खाएंगे या तो ये दो से तीन विकेट लेकर जाएंगे तो ये इनके लिए एक एडवांटेज पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ हिज एंट्री पॉइंट इनटू द गेम अकील के साथ आप देखोगे काफी बार वो इकोनॉमिकली डालकर निकल जाएंगे मोती के साथ आप देखोगे या तो बहुत सारे रन खाएंगे तो वो विकेट लेकर जाएंगे मैथ्यू फोर्ड ओपनिंग बोलिंग भी करते हैं डेथ भी करते हैं जब स्टार्टिंग में हेल्प होती है तो वहां पे काम आते हैं फर्स्ट साउथ अफ्रीका दो मैच में छह विकेट एंड एट एनआरडाइड दो मैच में तीन विकेट तो अच्छा खासा रिकॉर्ड इनका एंड ऑफकोर्स आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो बट फ्लैट बैटिंग कंडीशन में थोड़ा सा मैंने सस्पेक्ट समझूंगा शमा जोजेफ तीन मैच में पांच विकेट एट एनआरडाइड एक मैच में दो विकेट जो दो विकेट लास्ट मुकाबले में भी, भी में ही आए थे बट मेरे हिसाब से इनकी जो बॉलिंग थी इतनी खास नहीं थी क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ही शुड बेटर एंड जो इनके दो विकेट्स भी आए थे वो काफी पूअर शॉट्स अदर देन गुड बोलिंग के अगेंस्ट आए अब चलते हैं टीम साउथ अफ्रीका की तरफ यहां पे रायन रिकिल्टन थ्री मैचेस में सिर्फ 28 रन वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड एट लास्ट मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे अब अच्छे बैटर हैं विकेट भी करेंगे बट ऑफकोर्स फॉर्म इनके साथ लास्ट गेम में नहीं था बट आई गुड बैटिंग रीजा एंडीज अच्छा खासा रिकॉर्ड है ठीक ठाक किया है आई थिंक इन दिस गेम इफ इज बैटिंग इन बेटर बैटिंग कंडीशन ये वापस अच्छा कर सकते हैं एडन मार्क बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला था इन्हें अंदर लास्ट गेम बट पूरी तरह से फेक से फेंक दिया उन्होंने वो स्टार्ट विद कुछ खास कर नहीं पाए बट ऑफकोर्स बी टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस अगेन क्योंकि माक्रम के कोटे में Tristan Stubbs बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी इन द लास्ट गेम दो मैच में 105 सौ पांच रन वर्सेज वेस्ट इंडीज एंड एटाइड एक मैच 76 सिक्स रन आई थिंक डेफिनेटली आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो फॉर योर बेस्ट टीम रेसिव एंड बहुत ही लो आ रहे हैं आई थिंक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनका नंबर इतना क्यों पुश कर दिया गया डाउन क्योंकि वैसे ये थ्री या आते हैं इनके लिए थोड़ा ज्यादा लो हो जाता है एंड जब बेटर बैटिंग कंडीशन रहेंगे तो इनका जो फैंटेसी वैल्यू है वहां पे और भी गिर जाएगा दोनों मैन फर आई थिंक बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे इन द हंड्रेड एंड यहाँ पे अच्छे बैटिंग कंडीशन में ये फिर से परफॉर्म कर सकते हैं लास्ट गेम में सिर्फ आठ रन इनके खाते में आए थे पैट्रिक क्रूगर लास्ट गेम में इन्होंने इम्प्रेस किया बट

Unless बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड लो है ये टीम में नहीं फिट आ पाएंगे बहुत ही अच्छा किया है दो मैच मैच में पांच विकेट एक so इंपॉर्टेंट रहेंगे वैसे ही बोल फर्स्ट और बोल Berger, अन, अनलिस बारिश हुई इन्हें हेल्प मिली उसके अलावा इन्हें लेना मुश्किल होगा वर्सेस वेस्ट इंडीज कोई विकेट नहीं कोई विकेट नहीं रॉ है इन एक्सपीरियं है एंड ऐसे टाइप के प्लेयर है जो अप्रंट हेल्प होगी तो ये वहां पर काम आएंगे एल्स थोड़ी सी इन्हें भी मुश्किलें आ सकती है लिजार्ट विलियम अनलाइकली टू प्ले दिस गेम तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अब चलते हैं आज की फैंटेसी टीम की तरफ सो वी स्टार्ट विदिकेट कीपिंग सेक्शन एंड आई थिंक काफी इम्पोर्ट पिक्स यही सेक्शन से आपको मिल जाएंगे निकलस पुराश होप दोनों ही अच्छी पारियर खेली इन द लास्ट गेम राय विकल्टन भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे इन गुड बैटिंग कंडीशन सो आई विल नॉट टेक अ चांस एम क्योंकि आपको विकेट कीपिंग के साथ भी कुछ वैल्यू दे सकते हैं डिस्टें स्टार्स इंपॉर्टेंट रहेंगे एलिक एथन इज अच्छा खेले इन द लास्ट गेम 50 50 डेफिनेटली मैं इनके साथ जाऊंगा ऑलराउंडर सेक्शन में से एडन माक्रम रोमारियो शेपर्ड ये दोनों लॉक लिए लिए पिक्स रोस्टन चेज अगर ऊपर आते हैं बैटिंग ऑर्डर तो मैं उनके साथ जाऊंगा एल्स में ऑप्टेन नहीं करूंगा बोलिंग सेक्शन से ऑटनियल बार्टमैन होंगे मेरे लिए एक परफेक्ट लॉक पिक अब ये जो आठ प्लेयर्स है ये मेरे मेजॉरिटी टीम्स में रहेंगे एंड जस्ट फॉर फन प्रिडिक्ट इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है कितने रन मारेंगे आज निकोलस पुरान वर्सेस साउथ अफ्रीका एट द रोबा तो जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आप बाकी के तीन प्लेयर्स कैसे फिट कर सकते हो और क्या सिनेरियो में अब एक प्लेयर जिनके लिए मैं ज्यादा टेम्प्टेड हूँ वो है डेथ बोलिंग में अगर पहले बोलिंग करते हैं मैथ्यू फोर्ड क्योंकि अच्छा रिकॉर्ड है इनका वर्सेस दिस टीम सो डेफिनेटली वहां पे ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उसके अलावा एक जो सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर होगा या तो बेजॉन फोर्टेन या तो गुडकेश मोती ना आई नो की स्पिन spin... को ज्यादा हेल्प नहीं मिली है फ्रॉम दिस ट्रैक बट याद रखिए अगर सेम पिच यूज की जाएगी तो थोड़ा 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 वो स्लो होती जाएगी ट्रैक प्लस स्पिनर्स ये जो दोनों स्पिनर्स है वो फेज में डालेंगे जब प्रेशर होगा सो आई थिंक वहां पे बिल्कुल काम आ सकता है सो वन बिटवीन गुडकेश मोती और जॉन फोर्टेन अभी के लिए मैं मोती को उस लॉट में फिट कर रहा हूँ बैटिंग सेक्शन में से अभी के लिए आई एम गोइंग विद क्योंकि जैसे मैंने कहा बैटिंग इंपॉर्टेंट रह सकती है इन दिस गेम गेम्स में थोड़ा ज्यादा बैटिंग की तरफ यहाँ पे झुकाव अपना रख रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो आई थिंक एडन माकरम रहेंगे इंपॉर्टेंट क्योंकि है सिक्स बोलर इस टीम के सो डेफिनेटली ही विल कंट्रीब्यूट इन सम वे और अदर वाइस कैप्टन की बात की जाए तो आई एम टेम्पटेड टू गो विद निकलस पुरान क्योंकि अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं ये सो so डेफिनेटली आप इनके साथ ऑप्ट कर सकते हो सो आई थिंक ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट पिक्स एंड फाइनली कुछ ऐसी लग रही हमारी अभी के लिए टीम इसके अलावा कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा ऑन टेलीग्राम एट द रेट जुड़ना मत भूलेगा एंड जस्ट स्नीक कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है ड्रीम इलेवन पे भी आप सभी के लिए तो यहाँ पे आप टिप सेक्शन में देख सकते हैं शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ मेरी यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी तो टिप सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कंटेंट मैं ड्रीम इलेवन पे अपलोड कर रहा हूं एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं ड्रीम इलेवन अकेडमी में भी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट आने वाला है यहाँ पे तो जरूर वॉच आउट फॉर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द चैंपियंस फेवरेट्स विद पीयूष भाई राइट इन दैट सेक्शन तो जरूर देखिएगा जब भी रिलीज होगा अब चलते हैं आज के ग्रैंड लीग ऑप्शन की तरफ रीजा आई थिंक विदउट रेन इन द प्री बैटिंग जब वो बैटिंग करने आएंगे उसके पहले अगर बारिश नहीं होगी तो वो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वाइल्ड अगर बारिश हुई तो आई थिंक नंदरे बर्गर एक अच्छी पिक रह सकते हैं हाई सेलेक्ट ड्रॉप्रिज बॉन्ग पैट्रिक क्रूगर आई थिंक बैटिंग सेकेंड उतने इंपॉर्टेंट में भी ना हो क्योंकि काफी लो आएंगे एंड बोलिंग भी मुझे उनकी ठीक ठाक लगी अकील हुसैन वाइल्ड बोलिंग फर्स्ट क्योंकि जैसे मैंने कहा लास्ट गेम में अपना कोटा एट या नाइन्थ ओवर के पहले उन्होंने खत्म कर दिया था सो आई थिंक इतना विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उनको क्योंकि वो आए ऐसे टाइम पे जब बैटर्स थोड़ा अपना समय ले पा रहे थे उसके अलावा आई थिंक आपके ग्रैंड लीग ऑप्शन बट मोती वहाँ पे चेज आई थिंक अच्छे रह सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है बैटिंग फर्स्ट में मौका मिल सकता है प्लस बैटिंग से, बोलिंग सेकंड में अगर कोई भी बोलर का दिन खराब रहा तो चेज वहाँ पे काम आएंगे बाटमैन एंड मैकॉय अगर खेलते हैं आई एम नॉट श्योर अगर खेलेंगे कि नहीं बट इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है इस टीम के सामने एंड दोनों सिचुएशन में माक्रम एंड पुरान जो हमारे बेस टीम के भी सीवीसी है तो ये रही हमारी आज की फैंटेसी टीम आज के हमारे टिप्स एंड जल्दी मिलेंगे फॉर अनदर एनअर प्रिव्यू रिमेड ज्वाइन फैंटेसी क्रिक प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम एंड कमेंट्स कितने रन मारेंगे आज निकलस पुरान थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एंड